नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिले के सम्मानित नागरिक कई संस्था के लोग डीआरएम से मिलकर लातेहार में कई महत्वपूर्ण ट्रेन उठाने की मांग किए हैं। रेल प्रबंधक मंडल पूर्वी धनबाद आशीष बंसल से लातेहार के छात्र नेता नागमणि, तैलिक साहू समाज के जिलाध्यक्ष गोविंद प्रसाद, हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नंदलाल प्रसाद, लातेहार सम्मानित नागरिक ने मिलकर लातेहार में रेल सुविधा की मांग की। नागमणि ने कहा कि कोरोना काल के पूर्व में रुकने वाली सभी ट्रेनों का हो पूर्व की भांति ठहराव। हिंदू जागरण के जिला अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद ने जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में प्रमुख ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से लातेहार जिले के वासियों को कहीं आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि जिला मुख्यालय होने के बाद भी यहां पर उन ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है जो कि जिला मुख्यालय वासियों के साथ रेल प्रबंधन सौतेला रवैया अपना रही है, जो कि बड़ा ही निंदा का विषय है। तैलिक समाज के जिलाध्यक्ष गोविंद प्रसाद ने कहा कि लातेहार में गरीबी एरिया है, यहाँ के लोग बीपीएल की संख्या ज्यादा है, लोग रांची बनारस सहित अन्य जगह जाने में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। ट्रेन पहले की भांति रुकती तो गरीबों का बहुत बड़ा कल्याण होता। क्वार्टर में अपने इसको करवाता हूँ, भिजवाता हूँ इसको, देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको करवाने की। सर पहले भी कोरोना से पहले सब ट्रेनें रुकी जाती थी, लेकिन आज सर कोरोना लॉकडाउन के बाद भी ट्रेन रुक नहीं रही है। वही है, यहाँ पे देखते हैं कितनी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से स्टॉपेज दिया जाता है, एक बार इसको फिर चेक करवा लेते हैं। हेडक्वार्टर इसको भेजा जाएगा। और जैसे इसके पहले सर आप आश्वासन दिए थे 12 जुलाई अब 12 तो नहीं दिए होंगे, यही बोला होगा जो आज बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे सर। बहुत बात हुई थी सर 12 तारीख, ठीक है भाई, ये सब हेडक्वार्टर से हमारे बात करनी पड़ेगी ना, कई सारी चीजें हैं, करते हैं कोशिश। सर बरका काना बरवाडी में नई लाइनों को बिछाया जा रहा है, उस पर क्या क्षेत्रवासियों को कुछ बताना चाहिए, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये बेटर होंगी सुविधाएं जो भी मिल रही है, आज मिल रही है जो ट्रेनें और चलेंगी, सुविधाएं आपको ज्यादा मिलेंगी। ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है कुछ ट्रेनों पे, इस पे जो हमारी मेन कोचिंग वाली लाइन है, इस पे थोड़ा प्रेशर कम होगा तो फायदा तो होगा। सर चंदवा से बालूमाथ में जो लाइन बिछा गया है, उस पर कुछ नई ट्रेनें चलाने की योजना है आगे? सिर्फ मालगाड़ी ही चल रही है अभी? तो मालगाड़ी ही चल रही है, उसको दिखवाते हैं अभी, थर्ड लाइन बनेगी तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी जैसा निर्देश प्राप्त है तो भी सीआरएस सेंक्शन और ये सब करना पड़ता है, उसके लिए कई सारी चीजें हैं, मैं देखते फिर। सर ये अचानक दौरे का सर उद्देश्य क्या है? नहीं अचानक नहीं है, तो इंस्पेक्शन हम लोग करते रहते हैं, तो उसी दिशा में कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है आपको मालूम है। सर एक बातें आ रही है सर कि थर्ड लाइन के निर्माण को लेकर सर कहीं पर वन विभाग का हस्तक्षेप आ रहा है, ये सर इस तरह की बातें आ रही है? वो तो आपके नॉलेज में है, ये जो हजाम परेशानी आ रही है वो कर रहे हैं, उसको भी दूर कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वी टाइम न्यूज के लिए लातेहार से बद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट।